तो अवेयरनेस की श्रृंखला में आज का वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं। तो मैम कौन है? आईपीएस ऑफिसर है लता मनोज कुमार जी। याद रखना, आज कंपनी भागी है तो 100 लोगों का नुकसान हुआ है, 6 महीने और चल जाती तो 1000 लोगों का नुकसान होता। अब बात करते हैं पिछले वीडियो में जो मैं मिठाई खा रहा था, ये मिठाई मैं उन लोगों के लिए नहीं खा रहा था जिन लोगों के जेन्युइनली पैसे गए हैं, जो कि जेन्युइन लोग। आप सम्मान से बात करेंगे तो हम भी आपसे सम्मान से बात करेंगे, आपसे डबल सम्मान से बात करेंगे। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रही है, काफी लोगों से बचतें इन्होंने प्राप्त की हैं, डिपॉजिट्स प्राप्त किए हैं, और ये भागने वाली। इस कंपनी के पास में ये जमा रिसीव करने का, ये डिपॉजिट्स रिसीव करने का किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। FIR दर्ज की गई, इनको डिटेन किया गया। तो मूल रूप से ये एक जो पोंजी स्कीम आप जिसको कहते हैं, पोंजी स्कीम है जिसमें लोगों से जमाएं ली जाती हैं, फिर उसको सर्कुलेट करके शुरू में कुछ लोगों को रिटर्न्स दिए जाते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्कैम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग जल्दी ही यहाँ से भागने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के पुलिस ने इसमें प्रकरण दर्ज किया। तो ये एक ऐसी ही स्कीम थी जिसमें उस स्टेज पे पुलिस को जानकारी मिली जब ये ऑपरेशनल थे, विक्टिम आते लेकिन कुछ समय बाद, कि इसमें लोगों की बचतें, उनका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगता, जो रकम है वो भारी है, काफी भारी है, करोड़ में है। इट इज, मतलब ये करोड़ में है, करोड़ में है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है यार, देखो वो वीडियो मैंने बनाया बिटकॉइन के नाम पर। आज से 10-11 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को बनाने के बाद सडनली ऐसा हुआ कि सितंबर के पहले हफ्ते में कंपनी ने दो दो बार सिग्नल्स देने शुरू कर दिए। मैं बात कर रहा हूँ सिग्नल देकर ट्रेडिंग करने के नाम पर जो एक ऐप चल रही थी, सडनली उसने बताया कि अब जो ऐप का विड्रॉल है वो 8 तारीख से होगा। और एक बड़ा उतर्क सा जो है रीज़न दिया, उन्होंने कहा कि अभी तक हम थर्ड पार्टी ऐप पेटीएम से डील करते थे, उनके साथ हमारा टाई अप था, बट अब हम डायरेक्टली SBI के साथ टाई अप करने वाले हैं, जो कि एक फर्जी बात थी। अब मैंने पहला वीडियो बनाया क्यों था? पहला वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि कुछ लोग काफ़ी दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, और लगभग एक महीने से मैसेज कर रहे थे, कई स्क्रीनशॉट्स भेजे। उन्होंने कहा कि हमारा इतने का नुकसान हो गया, हमें गालियाँ दी गई, हमें ग्रुप से निकाल दिया गया, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बदतमीजी से बात करते हैं। अच्छा, उनका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि वो किसी वेबसाइट के थ्रू काम नहीं करते हैं। दरअसल वो वेबसाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐप नुमा होती है, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करके और उनके इंटरफेस पे जा सकते हैं। बिना लॉगिन किए उस वेबसाइट में उस कंपनी का कोई पता ठिकाना या कुछ भी नहीं होता है। और साथ में ही जो लोग आज ये कहते हैं कि इनकी जो ऐप है वो मार्केट में अवेलेबल है ऐप स्टोर पे, तो 7 अगस्त को वो ऐप स्टोर पे जो है आई थी दोबारा, पहले आ चुकी थी, उसको डिलीट कर दिया था गूगल प्ले स्टोर ने, और दोबारा आई है ऐप। अब दोबारा आई, जब आपने, अगर आप पिछला वीडियो मेरा गौर करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था कि कितने लोग कितनी गालियां वहां लिख रहे थे। वीडियो के बाद आज अगर आप जाकर देखोगे तो जो कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स उस समय थे जिसमें कि नेगेटिव कमेंट्स बहुत भर भर के थे, आज सारे कमेंट डिलीट हो गए। 4 से 5 कमेंट्स हैं वहां पर। ऐसा क्यों है? अगर कंपनी जेन्युइन है तो बहुत सारे लोग हैं जो उतर्क वाली बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यूट्यूब में कम्युनिटी गाइडलाइन होती है जिसके तहत जो गाली वाले मैसेज होते हैं ना भाई साहब, वो हम तक नहीं पहुँचते, क्योंकि इसमें एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट देख लो। इसमें क्लियरली एक नीचे एक ऑप्शन होता है जहाँ हम चाहें तो हम क्लिक करके देख सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं, वरना वो वहीं पड़े रहते हैं, वहीं पड़े पड़े मर जाते हैं। तो अगर आप गाली लिखकर कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो यकीनन आप नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि यहां पर YouTube हमें एक पॉलिसी के तहत फीचर देता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के गाली वाले मैसेजेस जो हैं वो हमने अप्रूव किए। वो क्यों अप्रूव किए? क्योंकि हम चाह रहे थे कि उनको जवाब दिया जाए, क्योंकि अगर कोई बदतमीजी से बात करेगा तो उसको बदतमीजी से जवाब मिलना वाजिब है। ठीक है, आप तर्कों पर बात कीजिए तो आपको तर्कों पर जवाब दिया जाएगा। अब क्या होता है कि इनमें से तमाम लोग जो हैं वो इन सब स्कीम्स को जानते हैं कि ये स्कैम है, फिर भी खुद के पैसे कमाने के लिए लोगों को इसमें ज्वाइन कराते हैं। तो पहला वीडियो वापस आते हैं, पहला वीडियो मैंने बनाया इसलिए था क्योंकि मुझे लगभग एक महीने से तमाम विक्टिम, पहले कुछ विक्टिम आए, उन्होंने बोला 10 लाख चला गया, किसी ने कहा 20,000 चला गया, किसी ने कहा 40,000 चला गया, किसी ने कहा 6,000 लगाया था उसके बाद ही अकाउंट बंद कर दिया गया, और कई लोगों को तो ऐसे फालतू के रीजंस पे उनके अकाउंट बंद किए गए, जैसे कि
उन्होंने खाली इतना पूछ लिया भैया एक कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो उनको गाली गलौज कर ली गई, उनके पैसे लग चुके थे, अब बेचारे फंसे हुए थे, विड्रॉल मिला नहीं, 600-800 का विड्रॉल लिया था। अब ऐसा आदमी जो है वो पुलिस के पास नहीं जाता, क्योंकि हर आदमी पुलिस के पास जाने से डरता है। तो सबसे पहले वो इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढता है, उन लोगों को ढूंढता है जिन्होंने इनके अगेंस्ट में बातें की होती हैं। ऐसे कई लोग हैं मेरे जैसे जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, उनके कमेंट सेक्शन जो है वो गालियों से भरे हुए हैं। उसका कारण यही है कि जो गाली देने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो इनिशियली पैसे कमा लेते हैं, जिनको पता है कि कंपनी भाग जाएगी तो शुरुआत में पैसे डाल के कमा लो, और ऐसे लोगों को फंसा दो जो भोले भाले हों, जो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, उनको इसमें फंसा दिया जाता है, और एट द एंड जब कंपनी भागती है तो उनके पैसों का नुकसान होता है। तो पहले वीडियो के बाद में इन इन्फ्लुएंसर्स ने एक ऐसा हेट कैंपेन चलाया, इतने नेगेटिव कमेंट्स दिलवाए, इतने गाली गलौच वाले कमेंट्स, मतलब ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया मेरा वीडियो, और वहां ये कहा गया कि इसको गाली बको, रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो। और ठीक है, उससे बहुत सारे व्यूज भी आए, ऑब्वियस सी बात है जब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो व्यूज भी आए, जिससे कि बहुत लोगों को तकलीफ भी है। बहुत लोगों का कहना है कि मैंने ये व्यूज के लिए किया, पैसे कमाने के लिए किया, सब्सक्राइबर्स प्राप्त करने के लिए किया। तो आपसे कहना है कि मैं किसी से ये जबरदस्ती नहीं करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो कुछ अच्छा सोच करके ही कर रहे होंगे, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात व्यूज की, तो मुझे इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे किसी रिलेटिव ने सुसाइड कर लिया था ऐसे ही किसी स्कैम में फंस करके, और मुझ तक ये बात नहीं पहुंची थी। अगर मुझ तक पहुंची होती तो मैं इसको बताता, समझाता, और आमतौर पर ऐसा ही होता है कि इस तरह के स्कैम्स बढ़ने के बाद आदमी इस तरह का कदम इसलिए उठाता है क्योंकि वो लोगों से बात नहीं कर पाता। एक साल पहले या 8 महीने 10 महीने पहले मुझे लगा कि मुझे जानकारी है, मैं चीज़ों की एनालिसिस कर सकता हूं, तो मैंने ये कदम उठाया और मैं इस तरह की वीडियोज यहां पर बनाकर लाता हूं। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपनी तकलीफ अपने पास रखिए, आप इस चैनल तक मत आइए। यहाँ पर सब्सक्राइब करने की भी जरूरत नहीं है, वीडियोस में व्यूज बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है ताकि मेरी अर्निंग ना हो पाए, जैसा कि आप समझते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब उस वीडियो में इतना नेगेटिव हेटेड कमेंट चलाया गया, इतना कह सकते हो कि मतलब हजारों में कमेंट्स आ रहे थे, जो कि आज लाइव नहीं है। उसका कारण है थैंक्स टू यूट्यूब कि उन्होंने जो है ऐसी पॉलिसी रखी है कि वो कमेंट्स लाइव नहीं होते। जब मैंने खोल के देखा तो वहां लोग गालियां दे रहे हैं, और वो लोग वही हैं जो कि इनिशियल लेवल पे पैसे कमाते हैं। तो जब 1 तारीख को ऐसा अपडेट आया, उन्हीं लोगों ने मुझ तक स्क्रीनशॉट भेजा कि भैया देखो ऐसा अपडेट आ गया, यानी कि दो दो बार सिग्नल दिए जा रहे हैं। और ऐसा आमतौर पर जितनी भी पिछली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स रही हैं वो यही करती हैं, या तो सर्टिफिकेट के नाम पर, या सर्वर खरीदने के नाम पर, या टी शर्ट बांटने के नाम पर, या फिर बैंक अकाउंट चेंज करने के नाम पर, माइग्रेशन के नाम पर, कभी कभी यूजर ऑथेंटिसिटी के नाम पर, इनके नाम पर अंत में बड़ा पैसा इन्वेस्ट कराया जाता है। उनको कहा जाता है कि अब आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, पुराना पैसा भूल जाओ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इस तरह के पैसों को ले रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के अकाउंट फ्रीज होते हैं तो चेन फ्रीज में आपका पैसा भी चला जाता है, आपका अकाउंट भी चला जाता है। जिसने पैसे कमाए हैं अगर वो आज ये सोच रहा है कि भैया मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, हो सकता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, आपके ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो, और ऐसा पहले हुआ है, मैंने उन वीडियोस में बताया है। लेकिन चूंकि आपको कुतर्क करना है, तर्क पे आप बात करना नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज आपकी कमाई बंद हो गई तो आपको ये लग रहा है कि इसको गालियां दे दो उससे हमारी भड़ास निकल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो दिखाया वो उन 10 लोगों के बिहाफ पे दिखाया जिनके पैसे गए थे, जिन्होंने मुझे प्रूफ दिए थे, उनकी बात कोई नहीं करता। मुझे लगा अगर इन 10 लोगों के पैसे गए हैं तो और भी बहुत सारे लोगों के पैसे गए होंगे, ठीक बात है, तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। अब तुम्हें खुद नहीं पता कि वो 7 लाख लोग हैं या 70 लाख लोग हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, तुम्हें खुद नहीं पता कि वो लोग हैं कहाँ, क्योंकि तुम इन लोगों से जुड़े हुए नहीं हो, तुम सिर्फ एक ग्रुप में खेल रहे हो जहां पर एक इन्फ्लुएंसर तुमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जोड़ करके 1000-1500 लोगों को रोज सिग्नल भेजता है, और अलग अलग ऐसे हजारों लाखों ग्रुप्स बने हुए हैं, और उन ग्रुप्स के एडमिन कौन होते हैं, वो भी इंडियंस होते हैं, जब कार्रवाई होती है तो उन पे होती है। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्यों नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जब तक इन कंपनी से पैसा मिलता रहता है तब तक इनके खिलाफ कहीं कोई कंप्लेंट नहीं होती है, और तब तक ये कंपनी बहुत आसानी से चलती रहती है, सरकार की नज़र में नहीं आती, और जब एट द एंड इनको जाना होता है तो वो ऐसी स्कीम फेंकते हैं, ऐसा बल्क में इन्वेस्टमेंट मांगते हैं कि भैया इतना पैसा लगा दो, दो दो बार सिग्नल भेजते हैं जैसा कि इस केस में हुआ था, ताकि एक मोटा पैसा लेकर के ये कंपनी चंपत हो जाए। अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 8 तारीख को विड्रॉल आ गया तो तुम ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कमेंट्स पढ़ लेना,
आज ही लोगों ने किए हैं कि उनका विड्रॉल आज भी आया है, तो तुम लोगों को मूर्ख बना रही कंपनी। ये सब ग्रुप में काम होता है, किसी स्टेट में ये स्कीम चल रही है क्योंकि वहां पर इसमें डेली इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब जो लोग सिर्फ 6,000 लेकर के 60,000 कमाने की जुगत करते हैं, वो लोग इनके किसी काम के नहीं होते, क्योंकि ये किसी को पैसा देना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आपके ग्रुप से इन्वेस्टमेंट आए। तो आज भी ये कंपनी कहीं ना कहीं चल रही है, और जहां चल रही है वहां के लोग भी आकर नीचे कमेंट कर रहे हैं। आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं उनके कमेंट जिनको आज भी विड्रॉल मिला है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी नॉलेज आप ही लोग देकर जा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में आकर देख लीजिए उनके आज भी विड्रॉल आए हैं। तो ये कंपनियां अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से काम कर रही है, और आपको भनक तक नहीं लगती और न लग सकती है, ठीक है ना। तो अब हम सुनते हैं मैडम की बातें और शायद इससे कुछ सीखने को मिले। अगर सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखने को मिलता है आपको, आप नहीं समझना चाहते हैं तो बने हुए बुद्धू बने रहना चाहते हैं, तो दैट इज ओके, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मेरा काम था उन 10 लोगों के दर्द को आपके सामने रखना। आज अगर उन 10 लोगों का दर्द आपके लिए दर्द नहीं है तो फिर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आपको आपकी दिक्कत हो रही है कि आप नहीं कमा पाए, याद रखना आज कंपनी भागी है तो 100 लोगों का नुकसान हुआ है, 6 महीने और चल जाती तो 1,000 लोगों का नुकसान होता। अब बात करते हैं पिछले वीडियो में जो मैं मिठाई खा रहा था, ये मिठाई मैं उन लोगों के लिए नहीं खा रहा था जिन लोगों के जेन्युइनली पैसे गए हैं, जो कि जेन्युइन लोग थे, जिनके पैसे भोले भाले लोग, जिनको कि फंसाया गया इसमें बड़ा प्रॉफिट दिखाकर। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी आदमी गिरा हुआ पैसा उठाना चाहता है। वो लोग गिरा हुआ पैसा उठाने क्यों आए? क्योंकि किसी न किसी ने उनको वहां ढकेला। आज जब कंपनी बंद हुई तो नुकसान किसका हुआ? उनका हुआ। तो उनके लिए वो मिठाइयां नहीं थी, ये मिठाइयां उनके लिए थी जिन्होंने पिछले वीडियो में एक हेट कैंपेन चलाया मेरे अगेंस्ट उन इन्फ्लुएंसर ग्रुप्स में। मेरे पास प्रूफ्स हैं, मैं चाहूं तो यहां रख सकता हूं। उन्हीं ग्रुप्स का एक एडमिन मुझे कॉल करके बोलता है कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं भी गलती से फंस गया हूं, मैं निकल जाता हूं। और वो निकल भी गया उस ग्रुप से, ये भी बताता हूं आपको। इंस्टाग्राम की उसकी भी चैट्स है मेरे पास, लेकिन छोड़ो, मैं ये सब चीजें देखो रायता फैलाने के लिए नहीं करना चाहता हूं। मैंने उन 10 लोगों के बिहाफ पे एक वीडियो बनाया, आपने नेगेटिव कैंपेन चलाया, कंपनी ने ऐसी पॉलिसी रखी, ना वो कंपनी कल लौटकर SBI में अकाउंट खोलने वाली है, और ना ही वो कंपनी इंडिया में कोई लीगल एंटिटी खोलने वाली, ना उनका कोई ऑफिस है, ना कोई पता ठिकाना है। अगर वो 8 तारीख को पैसे दे भी देगी तो वो वैसे ही देगी जैसे आज कई लोगों को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपके सवालों का जवाब। अब हम चलते हैं, सुन लेते हैं मैम क्या कह रही हैं, तो शुरुआत करते हैं, प्ले करते हैं इस वीडियो को। एक प्रकरण आया है जिसके बारे में जानकारी मैं आप सबसे साझा करना चाह रही थी। प्रोएक्टिव पुलिसिंग का नमूना ये इस तरीके से है कि जानकारी मिली कि एक कंपनी है, और वो जो कंपनी है वो भोली भाली जनता से उनकी छोटी छोटी बचत ले रही है, जमा लेती है, डिपॉजिट्स लेती है बचत के रूप में, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था जैसा कि मैम कह रही हैं। मेरी नहीं मान रहे, मैम की तो मानो। और बहुत ही अनरियलिस्टिक माने जो प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए जा सकते, इस तरह के अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रही है। काफी लोगों से बचतें इन्होंने प्राप्त की हैं, डिपॉजिट्स प्राप्त किए हैं, और ये भागने वाली। तो जब ये सूचना मिली तो उस सूचना का सत्यापन करवाया गया, पता चला कि ये 200-400% रिटर्न्स की प्रॉमिस कर रहे थे। आप जानते हैं 200-400% रिटर्न देने के लिए एक साउंड कोई फाइनेंशियल मॉडल, एक बिजनेस मॉडल भी होना जरूरी है। यहाँ पर क्या होता है कि लोग उस बिजनेस मॉडल की बात ही नहीं करते। तो क्या आपने कभी सुना है कि ट्रेडिंग में ऐसा कुछ फिक्स होता है कि 5 दिन प्रॉफिट होगा, 1 दिन लॉस होगा, या 6 दिन प्रॉफिट होगा, 1 दिन लॉस होगा? ये सब मतलब सामने सामने से मूर्ख बनाया जा रहा है, बट आपको बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि लॉजिकल बात तो भाई साहब हमको करनी ही नहीं। चलो आगे सुनते हैं। तो सत्यापन में जब ये सारी चीजों का मालूम कराया गया तो पता चला कि इनके पास कोई साउंड फाइनेंशियल मॉडल भी नहीं है। करीब इन्होंने 8 अलग अलग तरह की स्कीम्स चला रखी थी, और इन्होंने भारी मात्रा में निवेश हासिल किए हैं जनता से। साथ में ये भी बता दें कि इनके पास में, इस कंपनी के पास में, ये जमा रिसीव करने का, ये डिपॉजिट रिसीव करने का किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि कानूनी रूप से 9 नियामक संस्थाएं होती हैं अलग अलग जो इनको गवर्न करती हैं। इससे आपको उम्मीद है कोई लेना देना नहीं होगा, आप इस बात पर भी खामोश रहेंगे, तर्क आपका यही होगा कि ये कंपनी पैसे दे रही है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी जो जमा रिसीव करता है वो लॉ से गवर्न होता है, और 9 नियामक संस्थाएं उसके लिए है। ये कंपनी कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है। जब ये सारी जानकारी का सत्यापन हुआ तो उसके बाद में तुरंत FIR दर्ज की गई, इनको डिटेन किया गया। उनके बाद
उसके प्रकरण का हमने इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें ये सारी चीजें सामने आई। तो मूल रूप से ये एक जो पोंजी स्कीम आप जिसको कहते हैं, पोंजी स्कीम है जिसमें लोगों से जमाएं ली जाती हैं, फिर उसको सर्कुलेट करके शुरू में कुछ लोगों को रिटर्न्स दिए जाते हैं। जब रिटर्न्स दिए जाते हैं तो लोगों में एक भरोसा कायम हो जाता है। जब भरोसा कायम होता है तो और लोग उस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए ये उनको एक तरीके से प्रलोभन देते हैं, एंटाइस करते हैं। तो इस तरह से करके ये लोग इससे जुड़ रहे थे। ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्कैम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग जल्दी ही यहाँ से भागने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के पुलिस ने इसमें प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करने के साथ में ही डिटेन किया। एक्सपर्ट्स की टीम आएगी जिनके मौजूदगी में जो भी डिजिटल एविडेंस है उनको सीज किया जाएगा। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। जो इस तरह के पोंजी स्कीम्स होते हैं ये शुरू में जो मैंने आपको बताया बड़े ही लुभावने प्रोमिसेस देते हैं, और जब आप उनके गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये प्रोमिसेस पूरे नहीं हो सकते। शुरू में रिटर्न्स देंगे लेकिन एक समय आएगा जब ये रिटर्न्स देना संभव नहीं होता है, तब इन स्कीम्स की असलियत सामने आती। तो ये एक ऐसी ही स्कीम थी जिसमें उस स्टेज पे पुलिस को जानकारी मिली जब ये ऑपरेशनल थे। विक्टिम आते लेकिन कुछ समय बाद में, जब ये कंपनी ऐसी संभावना है कि यहाँ से सब समेट के भाग चुकी होती। भागने से पहले प्रोएक्टिव पुलिसिंग पुलिस ने की, सजगता दिखाई, तुरंत कार्रवाई की, केस दर्ज किया, और अब हम इसमें आगे अनुसंधान कर रहे हैं। टीम्स अलग अलग उसके लिए फॉर्म की गई हैं, मालूमात कर रहे हैं टोटल कितने लोग इनके साथ में इनके यहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट्स करवाए हैं, पहले भी इन्होंने कोई ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं क्या। इस पूरे प्रकरण में हमारे एसपी साहब और हमारे एएसपी साहब, इन दोनों का बहुत ही बेहतरीन रोल रहा। पुलिस की सजगता की ये एक एग्जाम्पल थी जिसके बारे में आपसे साझा करना इसलिए जरूरी था कि इसमें लोगों की बचतें, उनका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगता है। इस अवसर पे मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपकी जानकारी में इस तरह के कहीं कोई स्कीम्स, पैम्फलेट्स, एडवर्टीजमेंट्स कहीं पे आपकी जानकारी में अगर ये आती है तो कृपया करके पुलिस को सूचित करें। हो सकता है कि समय रहते उस पर कार्रवाई हो जाए और लोगों का जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, खून पसीने की जो कमाई है, वो किन्हीं फ्रॉडस्टर्स के द्वारा खुर्दबुर्द ना की जाए, मिस अप्रोप्रिएशन ना किया जाए। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की कोई जानकारी आपके सामने आती है तो तुरंत हमसे साझा भी। धन्यवाद। जो रकम है वो चलिए सुन लेते हैं कि कितनी रकम का जो है यहाँ पर खेल हुआ था। एग्जैक्ट फिगर तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि पुलिस भी जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो इनके अलग अलग ग्रुप्स को पकड़ने की कोशिश करती है जो कि अलग अलग राज्यों में होते हैं, और अलग अलग ग्रुप्स में कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया, क्योंकि यहाँ पर कोई एक सेंट्रिक कंपनी तो होती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ABC प्राइवेट लिमिटेड में कितना पैसा आया उसका एक आकलन लगाया जा सके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर जो भी पैसे मंगाए जाते हैं आप खुद भी जानते हैं कि वो पैसे अलग अलग अकाउंट्स में मंगाए जाते हैं, और आपको जो रिटर्न मिलता है वो भी अलग अलग अकाउंट से मिलता है, और इनके पास जो जमा राशि होती है, जो बड़ा अमाउंट इनके पास आता है, वो सारा दुबई, सिंगापुर, कंबोडिया और इस तरह के जो कंट्रीज होती है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और पिछली रिपोर्ट आपने देखी थी 712 करोड़ की जो ठगी का जो केस आया था उसमें ये पैसा आतंकवादी ग्रुप्स को भी मिलता है और उनके द्वारा इंडिया पर अटैक कराया जाता है, माफ कीजिएगा, भारत पर अटैक कराया जाता है। और भारतवासी होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि हम सभी इस तरह के स्कैम्स में ना तो खुद शामिल हों और ना ही अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर किसी चाहने वाले को इस स्कैम में फंसाएं। आपका आज का लालच, इन थोड़े पैसों का लालच कितने लोगों को तकलीफ दे रहा है ये भी आपको समझना चाहिए अगर आप सच में भारत से प्यार करते हैं। जो रकम है वो भारी है, काफी भारी है, करोड़ में है। एक बार पूरा असेट उसको असेस करेंगे हम लोग सर्च के बाद में, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन और हो जाए, बट जो प्रारंभिक अनुसंधान से जो फिगर आया है इट इज इन क्रोर्स, इट इज मतलब ये क्रोर्स में है, क्रोर्स में है। फिलहाल हमने दो लोगों को अरेस्ट किया है। कंपनी का नाम है एक्वा वोंटो कॉम्ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसमें जो अरेस्ट होने वाले कौन है, आपने गौर किया होगा जितने भी ये व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या टेलीग्राम ग्रुप होते हैं उनमें जो उनके आका हैं, जो खास जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो मेन लोग हैं जो कभी सामने नहीं आते, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं कि वो कौन है, जो कि इस तरह के ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे होते हैं इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, उनको पैसा दिया जाता है, मोटी मोटी फीस दी जाती है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों मेल आते हैं, टॉर्क को प्रमोट कर दो, वन विन को प्रमोट कर दो, इसको प्रमोट कर दो, उसको प्रमोट कर दो, ऐसी जितनी भी TC लॉटरी प्रमोट कर, जितने भी ये फर्जी एप्स हैं जो कि आज के डेट में इंडिया के अंदर
इस तरह की गंध फैलाए हुए हैं वो सारे मुझको अप्रोच कर चुके हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ये जो अरेस्ट होते हैं ना, वो भी कई बार ऐसे ही लोग अरेस्ट होते हैं, उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं। आप देख लो +852 नंबर है, आपको खुद पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कभी रडार में नहीं आते। रडार में कौन आता है? हमारा वो ग्रुप का इन्फ्लुएंसर, उस ग्रुप का ओनर, और उनको शामिल ही इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई पकड़ में आए तो वो ग्रुप का ओनर हो, ना कि वो लोग जो बाहर से बैठ करके ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन ग्रुप ओनर्स को भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग FIR करते हैं पुलिस उनको तो नहीं पकड़ सकती जो बाहर बैठे हैं, लेकिन आपको तो पकड़ सकती है। आपका नंबर भले ही फर्जी आधार पर लिया गया हो, लेकिन लोकेशन तो ट्रैक होती है ना भाई। कितना भी आप चेंज करने की कोशिश करो, कितना भी होशियार बनने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक सामने निकल करके आती है और उसकी वजह से फंसने वाला जो बंदा होता है वो हमारा भारतीय ही होता है, जो कि थोड़े से पैसे के लालच में या ज्यादा पैसे के लालच में इस तरह की फर्जी स्कीम्स को प्रमोट कर रहा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रही है मैम। ब्यावर में ही कार्यरत थी अभी, इसके बाहर ऑफिस, इसका बाहर ऑफिस है इनका। करीब जो डिपोजिटर्स की संख्या है वो 200 के अराउंड है, और उसमें से 130-140 के आसपास जो है वो राजस्थान के होना अभी तक प्राथमिक जांच में सामने आया, और करीब 70-80 लोग जो है वो दूसरे स्टेट से, राजस्थान के साथ में और दूसरे स्टेट्स को भी निशाना बनाते हैं वहाँ के लोगों। जी बिल्कुल, राजस्थान के अलावा भी कुछ और स्टेट्स हैं जिनमें इनका जो बिजनेस है वो फैला हुआ है, और हम अभी बाहर की दूसरे स्टेट्स की पुलिस से भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उधर भी टीम्स भेजे जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के हित में अभी जितना मैं बता सकती हूँ उतना ही रिवील कर पाऊंगी, आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपको हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। बिल्कुल आपने सही सवाल किया, ये FIR पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। विक्टिम तब आते जब ये कंपनी यहाँ से फरार हो चुकी होती, जैसा कि इनका प्लान था। पुलिस की सजगता इसी बात में है कि वो अपराध करके भाग जाते, लोगों का पैसा डूब जाता, तब विक्टिम आते। यहाँ पे प्रोएक्टिव तरीके से जो पुलिसिंग की गई है उसमें जो FIR है वो लोकल पुलिस की तरफ से ही, SHO की तरफ से दर्ज की गई है। इस कानून में जो बड्स एक्ट है 2019, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, उसमें निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रावधान है। रकम अच्छी संख्या में, मतलब जो उसका क्वांटम है अच्छा है, मतलब जो निवेश डिपॉजिट्स इन्होंने लिए हैं वो वेरी करते हैं, अलग अलग हैं, एक सिमिलर नहीं है, अलग अलग है अमाउंट डिपॉजिट्स के। हमने अभी तक की जो इनकी कस्टमर्स की जो फाइल है और जो इनके जो जवाब है उनसे पता चला है कि इसमें सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर बिजनेसमैन भी हैं। जो भी व्यक्ति जिसे जल्दी और आसान रुपए कमाने का लालच है वो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था जो कि 200-400% रिटर्न करने का वादा कर रही थी। आपने अभी तक देखा होगा कि जनरली केसेस दर्ज तब होते हैं जब कंपनी भाग जाती है और उसके बाद जो है डिपॉजिटर्स जो है थाने पे पहुंचते हैं, बट शायद स्टेट में शायद ये पहला ही ऐसा होगा जिसमें हमने जब कंपनी रनिंग है और वो इलीगल तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है और वो इलीगल तरीके से पैसे का यूज कर रही है, जैसे वो मनी सर्कुलेशन में, जैसे हम बोलते हैं इसकी टोकन यूज के सर, ऐसा अगर वो कुछ कर रही है और फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन कर रही है, जैसे कंपनी के नाम पे उन्होंने ग्राहकों का अमाउंट डिपॉजिट करी और वो रुपए जो है खुद के निजी उपयोग में उस रुपए को खर्च किया गया, तो इस तरीके के जो अपराध है वो अभी तक हमारे प्राथमिक जांच में सामने आए और आगे डिटेल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। माउथ पब्लिसिटी मेजर रोल प्ले करती है इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि शुरू में कुछ लोगों को अच्छे रिटर्न्स दिए जाएंगे। ये अच्छे रिटर्न्स देने के पीछे एक मकसद होता है, क्लाइंटल तैयार करने का, विश्वास जमाने का, लोगों को भरोसा दिलाने का। जब सेमिनार भी करते हैं इसके लिए, ये सेमिनार भी करते हैं। शुरू में जब रिटर्न देंगे तभी विश्वास कायम होता है। यस, शुरू में ये देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी होता है कि जब आप स्कीम शुरू करेंगे तो शुरू में कुछ लोगों को आप रिटर्न्स देंगे। जब आप रिटर्न्स देंगे तभी आपका भरोसा कायम होगा, लोगों को विश्वास होगा कि मेरा पैसा सेफ है और जो ये स्कीम में प्रॉमिस कर रहा है मुझे रिटर्न्स। इस धोखे में लोग आ जाते हैं कि ये मुझे रिटर्न्स मिले, क्योंकि कुछ बंदे ये बताने के लिए मौजूद होते हैं कि हमें रिटर्न्स मिले। उनको ये जानकारी नहीं होती है कि ये सब्सिक्वेंटली इनका जो ये कार्य करने का तरीका है इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है।
नहीं, बट अभी तक वो कंपनी सबको पे आउट कर रही थी, तो कोई भी दुखी नहीं है अभी इससे, बट वो इलीगल तरीके से। देखिए ये जो बिजनेस है ना, जो ये जमा रिसीव करने का जो कार्य है, ये अपने आप में ही गैर कानूनी है। इस तरह से जमाएं आप पब्लिक से हासिल नहीं कर सकते। कोई भी जमा हासिल करने के लिए अधिकृत तब होता है जब वो आपकी नौ नियामक संस्थाओं में से किसी के यहाँ पे पंजीकृत हो। अब आज जो हम उनको 200 कस्टमर बोल रहे हैं, वो कल 200 परिवादी होते, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह की स्कीम्स। आपको ये चीज बताने का मकसद भी यही है कि भोली वाली जनता, देखिए इनके ये जो लुभावने जो विज्ञापन होते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे स्कीम्स में लोग अपनी मेहनत की कमाई ना लगाएं। आपसे बात करने का मकसद एक ये भी है कि हमारी जनता उनका विक्टिम ना बने। जागरूकता होना, जनता का सचेत होना बहुत जरूरी है। चलिए तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना था कि जिस तरह के भी ये अर्निंग एप्स होती हैं, ये सारी पोंजी स्कीम चला रही हैं, MLM बिजनेस चला रहे हैं, और हमको इससे दूर रहना चाहिए। और जो इससे दूर नहीं रह सकते, उनसे निवेदन है कि इन वीडियो से दूर रहें, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन पे आप आएंगे, गाली गलौज करेंगे, मैं अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने एक दिन पूरा रखा था उन लोगों को जवाब देने का, सोचा शायद जो है वो जिनका वो मति भ्रम हुआ है उनको अगर कुछ बताया जाए तो वो कुछ समझ जाएं। कुछ लोगों ने समझ करके अपने कमेंट्स डिलीट भी किए हैं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं समझना है उनसे निवेदन है कि अगर आपके पास तर्क हो इसको सही साबित करने का, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर आके कमेंट कीजिए, वरना दूर रहिए। मेरे चैनल को व्यू देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप इससे दूर रहिए। आपको अगर वही पसंद है, वही अच्छा लग रहा है, आप वही कीजिए। सब लोग यहाँ पर लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना काम करने के लिए। आप उसको अच्छा मानते हैं, आप वो कीजिए। मैं इसको अच्छा मानता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मैं आपको आपके हाल पे छोड़ देता हूँ। तो आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। और अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपको अलग अलग स्कैम्स के बारे में जानकारी अपडेट रखना है, आपको जानकारी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप सम्मान से बात करेंगे तो हम भी आपसे सम्मान से बात करेंगे, आपसे डबल सम्मान से बात करेंगे। आप गाली गलौज करेंगे तो हम गाली गलौज तो नहीं करेंगे, लेकिन बात का जवाब जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि आप तर्कों से अपनी बात रख सकते हैं। मैं जो भी बात करूँगा तर्क के साथ और तार्किक बात ही करूँगा, ठीक है जी। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।